नमस्कार मित्रों, मैं आपका सबका एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की जो मेरी पेशकश है वो दिवाली पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली का जो हमारा प्रमुख त्यौहार है वो बस आ ही चुका है, उसी पर मैंने जो पंक्तियां लिखी है वो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चमकता हुआ उजाला चारों ओर ये त्यौहार है लाया, हमारे सभी प्रमुखों में त्योहारों में से सबसे बड़ा त्यौहार ये दीपावली का है आया। आया आया त्यौहार ये दिवाली का आया है, लाया लाया अपने संग ये तमाम खुशियां है लाया। श्री रामचंद्र के 14 वर्ष वनवास से घर वापसी पर मनाते हैं त्योहार ये। घर घर में दिए जलाकर सिया राम के गुणगान चारों ओर करवाता है त्योहार ये। लक्ष्मी गणेश की पूजा करके अपने घर और व्यापार में समृद्धि है भर जाता त्योहार ये। अपनों से गिले शिकवे भुलाकर अपनों के और करीब है ले आता त्योहार ये। हर जगह पटाखे फुलझड़ी अनार हवाइयां इत्यादि एक प्रतीक है इस बड़े त्योहार का। अपने सभी सगे संबंधियों में तरह तरह के सुंदर उपहारों के आदान प्रदान से खुशियों का अलग माहौल है बना देता त्योहार ये। हर उम्र के लोग अपनों के संग लुफ्त लेते कुछ अपने ही अंदाज में। मिठाई तो एक जरिया है ऐसे शुभ मौकों पर अपनों का मुंह मीठा करने का। शुभ लाभ की गूंज में झूम उठता पूरा घर और बाजार का हर कोना। मस्ती और खुशहाली में डूब जाता पूरी दुनिया का कोना कोना। पटाखों द्वारा प्रदूषण के प्रकोप से इस देश को अब बचाना है। दिए मोमबत्ती रंगोली द्वारा इस अलग अंदाज से इस दीपावली का त्यौहार अब मनाना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।